मास्टेक्टमी, ऑपरेशन से कैंसर ग्रस्त स्तन का निकाला जाना, यह इलाज का तरीका हो सकता है और कई बार सबसे असरदार। यह तब जरूरी हो जाता है जब कैंसर ज्यादा फैला हो या उसकी स्टेज बढ़ गई हो। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं ऑपरेशन। एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती, पूरा स्तन निकालना पड़ता है, और दूसरा ऑपरेशन होता है जिसमें कि खाली गांठ निकालते हैं ब्रेस्ट में से, और बगल में जो गांठ होती है वो निकालते हैं चेकिंग के लिए, और उसके बाद लेकिन रेडिएशन लेना पड़ता है, पाँच छः हफ्ते का रेडिएशन लेना पड़ता है। सो कुछ पेशेंट होते हैं जिनका कि कैंसर ज़्यादा बड़ा है या उसके ब्रेस्ट के कई एक हिस्सों में है, एक से ज़्यादा हिस्सों में है, या उसकी स्किन वगैरह में भी आ गया है, तो उसमें हमको लगता है कि छोटा ऑपरेशन शायद थोड़ा रिस्क होगा, बीमारी वापस आने का रिस्क ज़्यादा है, तब हम लोग पेशेंट्स को चॉइस नहीं देते, उनको बताते हैं कि आपके लिए पूरी ब्रेस्ट ही रिमूव करनी पड़ेगी। मैस्टेक्टमी कौन सी हो या नहीं, इसके कारक मरीज की उम्र और स्वास्थ्य की अवस्था तो है ही, साथ में कुछ और कारक भी, कैंसर की स्टेज, गांठ का साइज, वो कितना बड़ा है और किस जगह है, साथ में ये कि लिम्फ नोड्स या त्वचा तक वो फैला है या नहीं। लेकिन ज्यादातर 100 में से 90% महिलाएं, उनको ऑप्शन दो तो वो चूज करती हैं, हम लोग अपनी ब्रेस्ट को बचाना चाहेंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 स्तन कैंसर मरीजों के लिए आंशिक पार्शल मैस्टेक्टमी संभव होती है। इस तरह के ऑपरेशन में कैंसर की गांठ साथ में आसपास का थोड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन में स्तन बचाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद रेडियोथेरेपी जरूरी है ताकि कोई भी बची खुची कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जा सके। रेडिएशन थेरेपी में समय लगता है 4 से 5 हफ्ते तक। As far as I can see from the patients that we are seeing, जिन मरीजों को हम देख रहे हैं, मैं तो कहूंगी कि 70% से ज्यादा महिलाओं के स्तन बचाए जा रहे हैं। बढ़े हुए कैंसर में भी कीमोथेरेपी के कारण 1/3 महिलाओं के स्तन संरक्षित रहते हैं। लेकिन बहुत से मामलों में जरूरत होती है टोटल मैस्टेक्टमी की। इसमें पूरा स्तन साथ में संक्रमित लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया जाता है। कई महिलाएं तो इसे ही कराना पसंद करती हैं, ना कि आंशिक मैस्टेक्टमी, इसलिए कि इसके बाद कई बार रेडिएशन की जरूरत नहीं होती और ये चिंता भी खत्म कि कहीं कैंसर फैल तो नहीं गया है। डॉक्टर ने कहा कि आपको MRM करवाना पड़ेगा, तो पहले तो पता नहीं था कि MRM चीज क्या होती है। बाद में पता चला कि इसको कुछ मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी कहते हैं। तो मैस्टेक्टमी का मतलब है कि आपका ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। तो एक मिनट के लिए तो यह हुआ कि कैसे निकालेंगे, मतलब ब्रेस्ट निकल गई तो लाइफ, मतलब देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस अटैच्ड टू इट। द वुमनहुड इज सॉर्ट ऑफ अटैच्ड टू दैट ब्रेस्ट। स्तन से महिला की खूबसूरती जुड़ी है। बहुत सी महिलाएं अपने को अधूरा समझने लगती हैं। उन्हें लगता है उनकी पहचान चली गई है, लेकिन ये समझना जरूरी कि हमारी पहचान बहुत सी बातों से है। मांस का एक टुकड़ा हमें औरत नहीं बनाता। मास ऑफ टिश्यू इज नॉट व्हाट मेक्स यू अ वुमन। हमारे स्तन हमारे शरीर का मात्र एक हिस्सा है। हमारी स्त्री होने की, हमारी शख्सियत, हमारी सुंदरता का सिर्फ एक बाहरी रूप। जरूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य की, अपने जीवन की, अपने मन की और रिश्तों की चिंता करें। कैंसर से लड़ाई में स्तन खोने की चिंता शायद एक मुश्किल पर छोटी सी बात। वैसे याद रखें कि स्तन के पुनर्निर्माण का ऑपरेशन अब आसानी से उपलब्ध। जो वापस ब्रेस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है, इंडिया में अभी काफी कॉमनली किया जाता है, स्पेशली लार्ज सेंटर्स में जहाँ की ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है। एज फार एज सेफ्टी ऑफ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, इट्स एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर।
But who could have it and can everybody have it? I wouldn't, we probably not agree with that. A lot depends on how the mental status of a person is. But if a woman understands herself, her body image, and is keen on getting a reconstruction, I think it's the best thing to do for any woman so that she doesn't have to wake up from anesthesia without a breast. एक महत्वपूर्ण सलाह, मैस्टेक्टमी के बाद अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज व्यायाम की सलाह जरूर लें। ये आपके हाथों की गतिविधि वापस लाने के लिए बहुत जरूरी। इससे बाहों में सूजन की तकलीफ कम होती है और रेडिएशन के लिए भी ये जरूरी। याद रखें, आप अपना स्तन नहीं, इलाज कराएं।